नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कृपया म्यूट रखिए, घर की आवाज ना सुनाएं। जी जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग ही अनम्यूट करिएगा कृपया, ऐसा सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हम डॉक्टर विकास कुमार जी से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर विकास जी कृपया अनम्यूट करके हमसे बात करिए। सर आप कैसे हैं? प्रणाम सर, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आपको आपने ये अभी पंचकर्म भी करते हैं कि केवल शमन चिकित्सा करते हैं? नहीं, समझ नहीं ज्यादा होता, पंचकर्म को तैयारी नहीं होते मेरे यहाँ सब। हाँ हाँ, जो होते हैं उनका करता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना सर? जी सर, बढ़िया है जी, बहुत अच्छा। और डॉक्टर विवेकानंद जी, हाउ आर यू सर? डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर विवेकानंद जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर पवन जी कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ एकदम। आपने आज कैसे कैसे पेशेंट देखे? आज मैंने बहुत, मेरे पास आज काफी सारे सीरियस पेशेंट थे सर। डिस्क प्रोलैप्स था, अभी एक रेक्टल प्रोलैप्स का केस आया था, और मेरे पास एक सीकेडी और क्रोनिक एक्यूट रीनल फेलियर और फेलियर का हिपेटोरिनल सिंड्रोम की एक माता है, वो एडमिट है। एक बच्चे, काफी सारे पेशेंट सर मेरे पास सारे ऐसे आते हैं सीरियस से, मतलब सिंपल लाइफ डिजीज कैन कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड कंट्रोल डायबिटीज, और मतलब जो क्रोनिक डिजीज वाले ज्यादा आते हैं, जो इधर उधर से परेशान होके। हाँ, तो आप आयुर्वेदिक देते हैं कि एलोपैथिक देते हैं? मैं सर अभी 80% आयुर्वेद देता हूँ, 20% एलोपैथी देता हूँ। अच्छा, तो कुछ पहले मैं टोटली एलोपैथी करता था पहले मैं। अच्छा, अब आयुर्वेदा करता हूँ, 80-90% आयुर्वेदा करता हूँ जी। तो आप अपने कुछ केसेस बताइएगा जब आपको टाइम मिलेगा तो। ठीक है सर, आप जिसके मर्जी। हिपेटोरिनल सिंड्रोम वाला जो माता आई थी सर, वो 15 डेज जो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो किसी लोकल डॉक्टर पे प्रैक्टिशनर पे ट्रीटमेंट करा रही थी, उसको क्या हुआ, एक सडन डिस्निया हो गया। पहले फीवर आने के बाद उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई और उसको डिस्निया हो गया, डिस्निया स्टार्ट। फिर वो मेरे पास आया, मैंने एग्जामिन करा, मैंने बोला इसको एसआईटी से पेट में ना, मैंने एग्जामिन करके बोला, तो अल्ट्रासाउंड करा सर, उसको रीनल पैरेन्काइमल डिजीज और लिवर पैरेन्काइमल डिजीज निकला माता को। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया सर, पहले दिन के ट्रीटमेंट से 90% उसको रिलीफ आ गया। उसको मैंने यही दिया सर, गोक्षुरादि गोक्तल दिया, पुनर्वादी मंडूर दिया, आरोग्य वर्धनी पट्टी दिया, और कुछ अपना और दूसरा ट्रीटमेंट चलाया, मतलब पीतज ग्रहणी का और इसका किडनी का जो मूत्र द्रव्य है वो ज्यादा दिए। तो माता जी को अभी काफी सारा फर्क, मतलब
60-70% तो वैसे ही पहले दिन ही उसको फर्क पड़ गया। अच्छा बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। अभी मेरे पास अभी सर केस आया था, उसको रेक्टल प्रोलैप्स है, अभी मैंने उसको बस्ती सजेस्ट किया है, चंदन बला लक्षादी और एक्सीर बला के लिए सजेस्ट किया है, मात्रा बस्ती दोनों मिक्स करके और बाकी ट्रीटमेंट दिया, और वो नॉन केशव डायबिटीज हाइपरटेंशन थायराइड क्रोनिक पेशेंट था, अभी आज ही दिया, तो जो ट्रीट जो उसका आएगा दोबारा फॉलोअप में। मैंने कहा रेक्टल प्रोलैप्स तो चंदन बला लक्षादी से और उससे, फिर उसके बाद उसको टिक टिक सिर बस्ती स्टार्ट करूंगा सर। यूरिन इनकॉन्टिनेंस की है उसको। अच्छा ठीक है उसको, और फिर लिख के दिया सर वो ये पंचामृत लो गूगल और सिद्ध मकर दवा जो उसको लिख के दिया, बाकी अभी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट मैंने दिया, और बस्ती वस्ती स्टार्ट होने के बाद फिर उसका 10 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसको शेयर करूंगा। एक बच्चा आया था सर, वो टाइप 1 डायग्नोसिस किया मैंने आज, और बच्चे का जो हिस्ट्री था उसको वॉमिटिंग आ रहा था, पेन एब्डोमन था, और 15 डेज से उसको बुखार वगैरह चल रहा था, और बच्चा इतना सिकोटॉक्सिक था, उसका शुगर हाई निकला सर 600 के करीब। मेरे पास सर क्रोनिक और इमरजेंसी ही ज्यादा थे। एक वो भी आ रहा सर जो कल मैंने बताया था, जिसको आज क्रीमी निकला था कल वाला, वो बहुत अच्छा पेशेंट, वो काफी फर्क हो गया उसको। क्या दिया था आपने वो तो बताइए, क्या दिए थे उसको? तो पहले दिन सर वो वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस था, उसको क्या था सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी और पेड पेन एब्डोमन था और ब्लोटिंग था। मैं तो वो के बेटा आया था, कहते हैं वो कह रहा था मेरे फादर की तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, उसको सांस फूल रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मैंने उसको सर ये 10 मोल क्वाथ और कैस्टर ऑयल मैंने बस्ती दिलवाया उसको, और दीप प्रकाशन के लिए चुन दिया। वो जैसे बस्ती दिया उसको ना, एक एक फुट के उनके घर वालों ने बताया 2 बड़े वो निकले सर, क्रीमी निकले। हाँ हाँ वो अच्छा था सर। अभी पेशेंट वो 15 दिन से बेड रिटर्न था, वो काफी उसको बहुत बढ़िया था उसका अभी, और अभी फिर मैंने बस्ती ही यही चालू रखा सर, जो मैंने ना बोला ना, मैंने बोला ऐसे ही देते रहो, और लंगन पे उसको ले लिया सर, मुग दुयूस दे दिया और मंड पे रखा उसको, नारियल पानी वगैरह, और अभी दीपन पाचन औषधि वगैरह दी उसको, कोई थोड़ा सा इश्यूज है कार्डिक वर्डिक वो साथ में जो ट्रीटमेंट चला था वो मैंने अपना चलाया। और अभी देखो उसका मतलब वो पेट से तो बहुत ज्यादा, और वो पेन था ना उसको, वो काफी चला गया उसको, और वो गर्दन उसका टेढ़ा हो रहा था 10-12 दिन से, वो भी ठीक हो गया। अभी 10 दिन का मेडिसिन दिया सर। अच्छा बहुत बढ़िया, फिर आप बताते रहिएगा हमें। जी हाँ ठीक है, आप मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, आपका देखने का नजरिया, आप दो लोग अच्छे होते तो उसको सभी लोग अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, अभी आप रमन गर्ग जी का सुनिए, क्योंकि इनकी बातें बहुत अच्छी रहती हैं, और ये सर बताते हैं कि मैं अपने अनुभव से सब बता रहा हूँ। तो डॉक्टर रमन गर्ग जी आप कृपया बताइए अनम्यूट करके। रमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी को आ रही है क्या सर की आवाज? मुझे तो नहीं आ रही है सर। नहीं सर आवाज नहीं आ रही है। रमन गर्ग जी एक बार प्रणाम सर। हाँ हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है जी। सर एक छोटी सी क्वेरी थी मेरी, आप जो स्टडी करवाते हो जैसे कि धातुओं में ज्यादा पित्त बढ़ने से पसीना के मतलब सूख जाती है धातुएं, है ना? हाँ जी वो समझाया था ना आपने, तो वो उसको थोड़ा क्लियर करना था। अगर पेशेंट में देखेंगे हम मान लो कि उस चीज को कैसे हमें क्या सिम्टम नजर आएंगे या कैसे पता चलेगा कि हाँ ये आप देखेंगे कभी भी पांडु रोग के, तो उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन जरूर होता है, वो लोग मसाला ये सब खाते ही रहते हैं, और उसके क्षार का सेवन करेंगे या फिर अम्ल चीज या फिर अजीर्ण में भोजन करेंगे, तो उनमें पित्त का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, हीट रहता है, और ये प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है कि रुक्षता रहती है। कभी भी पित्त वाले पांडु वाले पेशेंट देंगे तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है, और उनका पूरा शरीर पांडु वर्ण का हो जाता है, भेक वर्ण,
बरसाती मेंढक जैसा, जी तो अपने सुश्रुत के टीका में ये चीज लिखा है कि स्वेदन होता है पूरा अंदर का स्नेहांश निकल, और चरक में भी बताया ना कि जब पांडु में ये हो जाता है कि स्नेहांश की कमी होती है, ओज की कमी होती है, मेद की कमी होती है, शिथिलेंद्रिय ऐसे बोले मेदन निस्सार शिथिलेंद्रिय, तो ये सब की कमी हो ही जाती है पांडु में, ऐसे ही संप्राप्ति टीका में बताया है। तो इसलिए जब सर, ये केवल पांडु में ही बनती है संप्राप्ति, या कहीं अन्य में भी बनती है किसी में और ही? भी बन सकती है, लेकिन ये पांडु में स्पेशली ऐसे लिखा है, रक्त पित्त में भी बनती है ना, तो रक्त पित्त में तो ज्यादा स्त्रोतोरोध रहता है, लेकिन पांडुक में चिकित्सा में सबसे पहले स्नेहन बोला है कि कटुकादि घृत, दाढ़ीमादि घृत, घृत पान करा के पहले मृदु विरेचन करा के फिर घृत पान करा के तब हमें लोहकल्प में जाना है, स्नेहन होना बहुत जी, जरूरी। स्नेहांश देना पड़ेगा ना। हाँ, और एलोपैथी के डॉक्टर्स को ये बात नहीं मालूम होता है, वो लोग आयरन की गोलियां देते हैं लेकिन उससे एचबी लेवल कहाँ मेंटेन रहता है, और आयुर्वेद ऐसा जी बोलता है कि बिल्कुल, स्नेहन दीजिए तभी तो एचबी लेवल मेंटेन रहेगा, स्नेहन की बहुत जरूरत रहती है। जी सर, थैंक हाँ यू सर, धन्यवाद। सर, वायु का रुक्ष गुण बढ़ता तब भी तो इतना ज्यादा ड्राइनेस मिलता। हाँ नहीं, इन्होंने पित्त वाली संप्राप्ति से पूछा कि पित्त से हाँ, स्वेदन पित्तवली से हो। पूछा था मैंने। हाँ, पित्तवली से ही पूछा मैंने, वो सही था। थैंक जी यू सर, थैंक यू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रमन जी, आप आपने भी, वो आप भी, आप आपने हमें बताया बहुत नहीं मदद। कि आपने जो वो किया था वो पेशेंट का वो गोमूत्र वाला वैतरण बस्ती, बाद में क्या फॉलोअप हुआ, वो दोबारा आई नहीं सर। मतलब ठीक ही हो गए? हाँ हाँ पता नहीं, ठीक ही होंगे, हम तो ठीक ही मान के चलेंगे जब तक नहीं कुछ बताते हैं ना, फीडबैक हाँ नहीं मिलता ना, तो फिर मानना ही पड़ता है कि ठीक ही होंगे, बस और तो क्या फिर। और हमें पूछना भी नहीं चाहिए पेशेंट को, नहीं तो उनको लगेगा कि हमारी गरज है, जरूरत है। हाँ नहीं सर, मेरे पास तो नंबर मैं ज्यादातर नहीं रखता पेशेंट का, खुद ही अगर कॉल आए तो पेशेंट का नंबर बार बार जिन्होंने करना होता है तो वही सेव करता हूँ मैं, नहीं तो नहीं करता, मैं नंबर लेता ही नहीं हूँ पेशेंट से। हाँ, हाँ, कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेता हूँ फ्रेंडली मेंटेन रखना चाहिए, कभी पेशेंट को खुद फोन नहीं करना चाहिए, हमारे जी, सर ने सिखाया है कि कभी भी पेशेंट को खुद कॉल नहीं करना है, नहीं सर, नहीं करता, कभी नहीं करता मैं फोन, कभी भी नहीं किया मैं जिनको जरूरत होगा वो कॉल करेंगे, हमें जी। खुद नहीं करना है। हाँ जी, वो हाँ, मैं एक देखो जितना एग्जांपल से आदमी, बताना चाहता हूँ, अगर कोई शशि मैम दिक्कत आप सुन रही हैं क्या, शशि मैम सुन रही हैं क्या, हो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग आज वो दीपा मैम क्या बोली मालूम है क्या, कि जी सर सर। एक ना पीजीआई चंडीगढ़ में एक डॉक्टर है जो मिलते हैं और उनको ना पहचान बना के पॉलिटिकल, तब वो हमें अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तब मुझे समझ आया कि जो डॉक्टर मिलते नहीं है उनकी कितनी वैल्यू रहती है, इजीली अवेलेबल लेकिन नहीं रहना चाहिए हमें, वो जितना तो है ही सर, लोग हमारे पीछे भागेंगे। वो तो है सर, कोई जी बात नहीं, दिखा लें। वो खुद भी बोल रही थी कि आमोद का मतलब उनको भी पता है कि ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में है, कोई और बात नहीं, मैं परेशान हो, जब पेशेंट आपकी को मदद, नहीं ठीक होना होता है तो पेशेंट इधर उधर मूव भी करता है और कुछ नहीं। कोई बात अभी नहीं, पता, मैं, अभी पता क्या होगा सर उसका? हेलो, हाँ अभी उसको सारे डिमांड स्टार्ट करेंगे, उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्ट होगा, स्टीरॉइड स्टार्ट होंगे, उसको मीथोट्रेक्सेट स्टार्ट होगा, सेल्जोपाइरेन स्टार्ट होगा, उसका पूरा अंदर से फिर ड्राई ड्राई कर देंगे और उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अभी। होने दीजिए ना, हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा ड्राइव जी करना ही है तो क्या करें, अभी चल फिर रही है, ये नहीं बोल रही है कि मेरे को इतना फायदा हो गया, बोलिए दर्द हो रहा है, मैंने कहा कि ठीक है ना दर्द ठीक कर देंगे हम, तो नहीं मुझे एलोपैथी करना है, मैंने कहा करिए आपकी मर्जी, हम थोड़ा ना जबरदस्ती कर रहे थे कि आप करिए, आप आई थी, हम थोड़ा आए थे आपके पास। उसको ऑटो, उनको बस ये बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आया है कि एसी की हवा और इडली पे हमने क्यों उनको बोला, उनको ये बात का गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, उनको परहेज नहीं करना, उनके टर्म्स कंडीशन में हम फिट नहीं बैठते हैं, तो इसलिए वो सर हम। मेजोरिटी पेशेंट्स के साथ, अभी एक और मेरी पेशेंट है वो पेन की कंप्लेन करती है, अभी नई नई है तो हाँ मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है, तो उनको भी मैं बोल रही हूँ, तो उनका है कि नहीं एसी के बगैर नहीं सो पाएंगे क्योंकि रूम में कोई है बात ही नहीं, नहीं जगह, तो कोई बात मैंने नहीं, कहा मैम तो तब तक तो दर्दें रहेंगी रहेंगी, और मेरे को कल कंप्लेन किया था कि वो है, और पता चला आज बताती है वो क्लास में कि मैंने तरबूज खाया था, और अभी आज ही मैं भैंसज रत्नावली पढ़ रही थी तो भैंसज रत्नावली में है कि तरबूज मना है खाना, हाँ मना है। शोथ रोग में मना है, एकदम स्ट्रिक्टली मना है। अच्छा, हाँ तरबूज खरबूज ये पानी वाले केले में मना है, वो चीज तो नहीं, मैंने भैंसज रत्नावली पूरा शोथ प्रकरण पढ़ा, जैसे तरबूज उस दिन खरबूज मैंने शो खीरा खरबूज
खीरा तो एकदम मना है, खीरा ककड़ी बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, इसमें पानी वाली चीजें रहती है ना वो बिल्कुल नहीं देनी है, इससे शोथ और बढ़ जाता है। दही नहीं देना है बिल्कुल भी। हाँ, दही तो मैं अपने हर मरीज को मना करती हूँ क्योंकि अभी सिंधी होती है तो इसलिए सबको मना तो करती हूँ। खाना है ना उनको, खाना पीना है। जो तो बोली कि तब हम खाएं क्या, ओट्स खाती हूँ मैं सुबह, करें फुलका खा सकते हैं। हमने कहा फुलका खा लीजिए, जैसे परसों शाम में उन्होंने भिंडी खाई थी तो दर्दे बढ़ गई थी, तो जब सारी बाती चीजें खाएंगे, जैसे करेला भी जो होता है ये भी बाती होता है, अब ये सब सारी चीजें इंसान खाएगा तो थोड़ा सा भी है तो एग्रीवेट तो करेगा ही। हाँ। और ऊपर से रहता है पेशेंट का कि हम कोई गर्म चीज नहीं खा सकते, कोई गर्म दवा नहीं दीजिएगा। तो आज मैंने दोनों को लोग को एक्सप्लेन किया, जो और दोनों है पेशेंट, मैंने कहा देखिए आप लोग की जो बीमारियां हैं मिक्स टाइप की है, मतलब वहां पर कुछ जगह आपको गर्म खिलाना है जैसे अमृत वगैरह है और कुछ जगह ठंडी चीज खिलानी है, तो ऐसे में टाइम लगता है ठीक होने में आप लोग को, हाँ, तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तो परहेज ज्यादा जरूरी है इसलिए करना। हाँ, तो अब देखते हैं उनका कितना वो पड़ता, नहीं तो अदरवाइज तो थोड़ी सी भूख बढ़ जाए, जैसे ये वाली पेशेंट जो सर बोलती थी ना खूब भूख लगती है, आज बोलती है कि भूख लगी थी आधे घंटे तक मैंने नहीं खाया तो आधे घंटे बाद भूख चली गई। हमने कहा मैम वो भूख नहीं थी, वो क्रेविंग थी, भूख होती है तो जाती होती नहीं है। तो मैंने कहा कि हमने इसीलिए आपको बोला कि जब आपकी अच्छे से अग्नि बढ़ेगी तभी मात्रा बस्ती देंगे, मतलब मात्रा बस्ती भी बगैर अग्नि बढ़े नहीं दूंगी मैं, ये सोच रखा है। हाँ सही। तो सी मैम ऐसा जी है सर। ना, कई बार पेशेंट को भूख लगती है और पेशेंट स्किप करता है, तो बॉडी को तो फीड चाहिए ना, जो स्टोरेज फूड है ना बॉडी का, बॉडी फिर अंदर से लेना स्टार्ट कर देती है, तो वो बात इसीलिए तो भूख ठीक खत्म है। हो जाती है। नहीं जैसे आप जितने भी ये सब सर पेशेंट है कोई लीन एंड थीन नहीं है सबका, आप देखेंगे तो पेट का डायमीटर 9 महीने के बच्चे जितना निकला है, ठीक है प्रेग्नेंट लेडीज का भी शायद पेट उतना नहीं निकलता, खासकर हमारे जमाने तो नहीं निकलता था, अब उतना पूरा पेट निकला हुआ सारी चीजें है, तो स्टोरेज तो आपके पास पड़ा ही हुआ है, क्योंकि वो कंसेप्ट ये होता है ना कि अगर आप जब खाली पेट होते हो तो आपकी बॉडी आपकी जठराग्नि टॉक्सिक मटेरियल को पचाती है, तो बेटर ही है ना, तो वो नहीं है। हाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख, जब लग रहा है कि वाकई बहुत अच्छी भूख है तो खाइए, खाना खाने के लिए किसी ने नहीं मना किया है सर, नहीं, उनको ऐसा है लेकिन कि उनको 24 घंटे खाना है उनके मन मर्जी का। हाँ कुछ लोग को ना बहुत आदत होती है कि मुंह चलते रहना चाहिए, मुंह चलते रहना चाहिए, अध्यसन जो कहते नहीं है, तो अध्यसन चलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, भस्मासन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, हाँ ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मुझे पता है उनका उसका है जो राजमा छोले सब सारी चीजें बेचते हैं ये लोग, तो जो खाते भी होंगे सारा, हाँ ये सारी चीजें हो और जाती है सर। इडली खाना है उनको, आमबात का कंडीशन है, इडली खाना है भरपेट, तो फिर इसीलिए तो उनको गुस्सा आ रहा है हमारा परहेज नहीं किया। अब जैसे मैं आज शोथ रोग में पढ़ रही थी, नहीं शोथ रोग में नहीं सॉरी नेत्र रोग प्रकरण में फैसल रत्नावली में साफ साफ लिखा है कि कुछ बीमारियां 3 दिन, कुछ 5 दिन और कुछ ऐसे ही है कि टोटल लंघन कर लो तो अपने आप सब साइड हो जाती हैं, जैसे ज्वर है और नेत्र के रोग हैं और भी कई सारी बीमारियां हैं, और हाँ इसमें तो खुद ही आमवात में बोलते ही है कि मिनिमम 3 डेज का 100% वाला लंघन होना चाहिए, कि सिर्फ सुनती साधित जल पर है, पेशेंट तैयार नहीं होता है, अगर रह जाए तो पेन तुरंत सबसाइड हो जाएगा और आराम बहुत जल्दी आ जाएगा, ये वाली बात है। फिर उसके बाद दीपन पाचन के बाद फिर हम अच्छी ड्रग्स भी चला सकते हैं, बरनाम रस औषधि जब चला रहे हैं और अग्नि बहुत अच्छी नहीं तो वो भी कितना खास काम करेगी, वही तो, ये चीजें होती है सर, बस यही है सर। कोई ओके सर, बात नहीं, थैंक यू। उनको जाने दीजिए, उनकी मर्जी, उनके पास पैसा है तो वो जाएं और खुश रहें, हमसे जितना हो सकता है होता है। एक बार क्या हुआ, 2000 साल की बात है, अभी टू थाउजेंड जी ट्वेंटी टू चल रहा है ना, 22 साल पहले की बात है। मैं सर के सर। क्लिनिक में था और उस टाइम पे मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तो सर के क्लिनिक था, तो सर के पास एक पेशेंट आए, तो इंजीनियर थे 22 साल पहले, तो सर ने उनको बताया, 1 घंटा उस पेशेंट ने दिमाग खराब किया सर का, कि और सर ने केवल यही बताया कि बस्ती ऐसे देते हैं, बस्ती से ये फायदा होता है, तो उसने सर का और सभी को बाहर निकाल लिया, स्टूडेंट कोई नहीं रहना चाहिए, मैं अकेले सर से बात करना चाहता, सर का 1 घंटा दिमाग खाया उसने, फिर उसके बाद में बाहर आके बोलता है कि मुझे बस्ती उस्ती नहीं लेना है, तो मैंने सर को कहा कि सर पेशेंट ऐसे बोल रहे कि बस्ती नहीं लेना, तो सर ने कहा कि उससे 1000 रुपीज कंसल्टिंग लो और बोलो कि जाओ, तो फिर सर ने भगा दिया और 1000 रुपीज लिया सर ने, कि मेरा 1 घंटा क्यों वेस्ट किया, फिर उसने वो तो लेना कहा ही पड़ेगा सर, जब तक आप फीस नहीं लेते हो ना तब तक पेशेंट कोई, अभी बता तो रहे हैं ये जो दिखा रहे हैं पीजीआई के चोटी को, तो यहाँ पर सोसाइटी में कोई है उनके थ्रू मतलब अप्रोच लगा करके फिर जाकर दिखाएंगे तो होगा बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, जबकि ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में जितना बेटर लेवल पर काम हो सकता है वो अपने लोग को मालूम है। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने सर बोले कि ये क्या चाय कॉफी है क्या, कि पसंद है नहीं पसंद है, वो ट्रीटमेंट ही है ना वो बीमारी के लिए, तो उनको उन्होंने ऑप्शन रखा है, तो उनको लेने का ही नहीं, सर ने बैन कर दिया वो पेशेंट, बाद में बहुत बार ट्राई किया, सर ने लिया नहीं उसको कि नहीं, और सर का मेमोरी शार्प है,
जिसको एक बार निकाल दिया फिर कभी नहीं लेते सर। सर बहुत स्ट्रिक्ट है, होना चाहिए सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ सर? नहीं बोले। अच्छा अमन जी कुछ बोलेंगे। हाँ जी सर, एक्चुअली में ना आयुर्वेद के पास मेरे हिसाब से ना 2-3% पेशेंट ही आते हैं जो सही में सीरियसली होते हैं ठीक होने के लिए कि हाँ हमें ठीक होना ही है। बाकी तो आते हैं कि जैसे चलो देख लेते हैं, अगर हो गया तो कुछ फायदा, हो गया तो इस मेंटालिटी से आते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, मेरे पास तो ऐसे आर्य पर आना है तो पूरा परहेज पाल लें, नहीं तो आप जाओ, मैं तो लेता ही नहीं हूँ आर्य पर। नहीं सर, जैसे मान लो आपके पास भी आते होंगे ना, जैसे शुरू कर लिया ट्रीटमेंट लेकिन फिर बीच में भागेंगे हफ्ते 10 दिन बाद, तो वो आए ना वो भागे उनका, हाँ, उनका वही ना, वही तो कह रहा हूँ, वो माइंड सेट ही ऐसा है उनका कि चलो खा के देखते हैं कुछ फर्क लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं। अब इतनी जल्दी संप्राप्ति भंग होती नहीं। हाँ नहीं होती है, 5-7 दिन में, हफ्ते 10 दिन में कैसे होगा। हमारे सर तो सिखाते हैं कि 3 महीना दीपन पाचन कराना चाहिए, 3 महीना का सर बोलते हैं। 3 महीना क्या पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते सर, 3 महीना दीपन पाचन में है। वो अपने हिसाब से हम सही हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन लोग तो जादू जैसे जादूगर होगा ना कि एकदम से छड़ी घुमा दे बस हो जाए। है ना, जादू करता है ना। हाँ, वो वहां पे खाएंगे, पूरी उम्र खाने को तैयार है। आज ही आया था एक मेरे पास, वो भी ऐसी, मैं पूरी उम्र दवाई खा सकता हूँ, कहना मैं खाओ फिर जाके जाओ निकलो यहाँ, बताओ क्या करेंगे उनका। और पड़ोसी की बात मैं एक और बताना चाहता हूँ शशि मैम को, पड़ोसी की बात। कल मेरी पड़ोसी आई, वो आई और बोलते हैं मुझे ना ये कैल्केनियस पर है, मतलब अपनी भाषा में बोल के टाच दुख रहा है, एडी का दर्द हो रहा है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा हफ्ते का 2500 का है दवाई, और जो लौका लगाएंगे तो 1000 रुपए है। तो आई और टाइम पास की और चली गई। मैंने कहा कि फीस दीजिए, तो बोलती है हम तो पास में रहते हैं, फीस क्या। मैंने कहा मैं क्या टाइम पास हूँ क्या कि आप मेरे पास टाइम पास करने आए। मैंने कहा आप आज के बाद बताइएगा, मैं अपना काम छोड़ के आपका आपको देखने बैठा हूँ। ऐसे पड़ोसी ऐसे ही रहते हैं, उनको ना फ्री में चाहिए और वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, जैसे एहसान कर रहे हैं हमसे इलाज कराने के लिए, ऐसे ही रहते हैं। इसलिए पड़ोसी का कभी इलाज नहीं करना चाहिए, और बोलना चाहिए कि पहले पैसा दो तब दवाई खरीद के लाएंगे, तब देंगे दवाई। ऐसे और कोई बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं है बाद में देंगे, तो बात कर नहीं, पहले दो फिर हम खरीद के लाएंगे, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आपके पेशेंट कैसे हैं? सतीश कुमार जी आपके पेशेंट वो कैसे हैं? मुकेश जी के ठीक है सर, सर काफी है वो, अब छुट्टी करा के लिया है हॉस्पिटल से सर। प्रणाम सर सभी को। अच्छा हाँ, मुकेश साहू जी, मुकेश साहू जी से पूछो सर। कोई मुकेश जी को मैम नहीं बोलेगा, इनका आवाज एकदम सेम टू सेम शशि मैम की तरह है, लेकिन ये पुरुष है। तो सर मुझे भी बहुत सारे लोग सर बोलते हैं। देखिए दोनों का सेम आवाज है, मुकेश जी का और शशि। हाँ जी बोलिए सर। पेशेंट तो ठीक है, वो डिस्चार्ज होके भी आ गया, उनका डाइट प्लान भी कर दिया तैयार, अभी वो मेडिसिन के लिए पूछ रहा था। तो मैं आप रिपोर्ट कि आपने बस्ती दिया आज दिलवाया? नहीं सर, वो रास्ते में सर। पेशेंट क्या डिस्चार्ज होके जयपुर से नारनौल चला गया। नारनौल चला गया सर, नारनौल वो लेट आया सर। अच्छा, कल कर पाएंगे सर, कल प्लान करेंगे। अच्छा तो आज कैसी तबीयत है उनकी 2 दिन के बस्ती से? है सर आराम है, वो सुबह उन्होंने स्टूल भी पास किया उसकी मम्मी ने सर। अपने आप किया ना जी? अपने आप, गैस भी पास हुई, स्टूल भी पास किया सुबह उन्होंने। अब भूख भी लग रही है, अभी मैसेज आया था कि भूख लग रही है। भाई तो आपने कितना बढ़िया किया उनको, नहीं तो वहाँ सर्जरी हो जाता पूरा कोलोन पर। बिल्कुल सर, वो खुश थे सर, खुश थे सर, बच गए हो सर्जरी से। बच गए लगभग। आप लोग ना सच में श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि आपने उनको नॉर्मल कर दिया कि अपने आप पेट साफ होने लगा, कोई ऐसा भी नहीं है कि डर गया अपने लोगों ने कि वो। सर मुकेश साहू सर ने बहुत हेल्प करी सर, उनकी बहुत हिम्मत करी सर, बहुत वहां से अप्रोच लगा लोगों के हॉस्पिटल में, वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहू सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा था इसमें। हाँ सही बात, धन्यवाद बोल रहे थे सर। और साहू जी बहुत अच्छे हैं आपको मालूम जी सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। उनकी सिस्टर का भी फोन आया था, वो भी थैंक यू बोल रही थी आप सबका, मेरे को बोल रही थी कि आपने मेरी माता जी को ऑपरेशन से बचा दिया। ये तो हमारे सर की मेहनत है, जो सर ने हमें गाइड किया। बाकी अब आप है ना एलोपैथ, जो आपका कीमो रेडियो चल रहा है उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शुरू करो, जिससे कैंसर की प्रोग्रेस भी कम हो और वो ठीक हो जाए।
अगर उनका रिपोर्ट्स मेरे को आएगा ना तो मैं देख के बता पाऊंगा कि क्या करना। मैं कल दिन में भेज दूंगा सर। ठीक है, कल भेज देंगे, सतीश जी भेज देंगे, उसके बाद सर उनका जो ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। और सतीश जी, आपकी वो पेशेंट कैसी है जो गायनेक प्रॉब्लम वाली थी? सर यूटीआई के लिए। हाँ 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 सर, उसको वैसे मैंने आज वो शुरू किया है, वैसे खास आराम नहीं है। मैं पूछना चाह रहा था जी, क्या गोक्षुरादि गुगुल चंद्रपुर बावटी? अच्छा, और तो जैसे मान लो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रेग्नेंट है तो आयरन सप्लीमेंट। सर प्रेगनेंसी में गुगुल नहीं चलाते हैं? गोक्षुरादि गुगुल दे सकते हैं मैम, प्योर गुगुल चला दिए होते क्या तो बहुत जल्दी आराम आता सर। मैं अभी आपको 2 मिनट में बता रही हूं चीजें। जी मैम। अच्छा सर, आयरन के लिए ना मैंने सप्ताह में दे रखा है। क्यों, आप ताप्यादि लो दीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा है सर। ताप्यादि लो और वो मैंने कम्बिनेशन दिया था, वो ताम्रित लो, ज्यादातर आंखों पे जाता है क्योंकि ये वो ज्यादा है। मैंने डोज बढ़ा दी सर उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है ना सर, लो बसम के ना, उसमें डोज बढ़वा दी सर, मैं खुद बना लेता हूँ सर छोटे मोटे। ठीक है, अरे धात्री लो दे दो ना। हाँ धात्री लो सबसे बेस्ट है, धात्री लो दे सकते हैं। और परवाल पंचामृत सर कितने दिन में दे सकते हैं? रोज देनी गोली? गोदुग्ध भावित है तो वो दीजिए ना डेली, उससे तो कैल्शियम मिलते रहते हैं। जी सर, मैंने बाई वीकली। कामिनी मैम है, अंजना मैम है, पूछिए इनसे मैम लोगों। जी मैम, अंजना मैम प्रणाम। कामिनी मैम है ना? कामिनी मैम आप बता दो मैम, जो भी है कामिनी मैम है क्या इधर? कामिनी मैम आई तो थी, अभी दिखाई दी थी सर। एक और मैं कहना चाह रहा था सर। हाँ। सर भैंसा जी रत्नावली में धात्रीलोह और सप्तामृतलोह दोनों शूल प्रकरण में है जी। और धात्रीलोह के लिए जो खाने का तरीका लिखा है, उन्होंने लिखा है भोजन के शुरुआत, भोजन के मध्य और भोजन के अंत में ले, और मैक्सिमम एक तोला तक ले सकते हैं, तो 2-2 ग्राम या 3-3 ग्राम करके बीच में, मतलब 3 बार लीजिए एक ही टाइम के भोजन में। तो ये धात्रीलोह का है उसमें, तो शूल प्रकरण में है भैंसा जी रत्नावली में। और सर वो जो यूटीआई के पेशेंट है ना प्रेगनेंसी में? हाँ जी वही है मैम, उसी को है। अच्छा तो सुनिए, प्रेगनेंसी का सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत यूटीआई रहता ही है, क्योंकि आप अगर लीवर के भी टेस्ट कराओ ना तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड आते ही है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन प्रोन बॉडी होती ही है। एलएफटी और वगैरह और ठीक है, वैसे पहले वो टॉर्स पॉजिटिव थी मैम, बाकी अब फिलहाल ठीक है। अच्छा तब तो ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन था, तो इसका तो डिस्कस हुआ था मैम, अंजना मैम ने बताया था। क्या अंजना मैम की डिस्कस से फिर वो कंसीव उसी से हुई थी मैम? हाँ मतलब बाद में भी मैम ने बताया था। तो उनको यूटीआई से क्या पेन वगैरह नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है? पेन हो रहा, पेन होता मैम। हाँ तो उसमें ऐसा करें सर, जो ठंडे पानी की बोतल नहीं होती है फ्रिज से निकाल करके जी, उससे जी वो सिकाई कर लें तो तुरंत आराम आ जाएगा। और अगर थाइस वगैरह में पेन हो रहा है तो गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं, और जैसे धनिया का पानी है, सौंफ का पानी है, इन चीजों को लें। और एक हफ्ते के लिए पूरा बिल्कुल सिंपल खाने पर कर दीजिए, कि मिर्ची मसाला बिल्कुल बंद कर दीजिए, पानी का आउटपुट बढ़ा दीजिए अच्छे से, और गोक्षुर वगैरह चला देंगे पुनर्नवा वगैरह, तो इससे आराम आ जाना चाहिए सर। ठीक है, जैसे हम लोग तो नीरी टेबलेट वगैरह या एलकासिप वगैरह चलाते थे जब मैं प्राइवेट में भी थी, मतलब सॉरी गवर्नमेंट वाले में। ज्यादा तंग हो गई मैं, सोचा नहीं हो रहा। हाँ तो आप नीरी या ये चला सकते हो, एलकासिप चला सकते हो, उससे कुछ नहीं होता है प्रेगनेंसी में, और उतने पर से सर आराम आ जाता है। आप चाहो तो एक बार वो करा लो, टेस्ट करा लो, देख लो उसमें कुछ पसल ज्यादा तो नहीं मैम, 2-4 ही पसल। तो और शायद चंद्र प्रभा वटी भी मेरे ख्याल से दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में अच्छा काम करती है सर, आराम आ जाएगा। दे रखी मैम चंद्र प्रभा? हाँ तो सर हो जाएगा, 2-4 दिन वेट कर लो सर, थोड़ा टाइम लगता है। और ये लोकल वाला करा सकते हो, जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन है ना, तो आप ठंडे पानी की बोतल से सिकाई करिए, विद इन 1 मतलब कह सकते हो कि आराम आता है, एक बार करने से ही आराम आ जाता है, बहुत अच्छा आता है रिलीफ। जी मैम, ये मेरा कराया हुआ है, करा भी हुआ है। ठीक है सर, ठीक है मैम। मैम वो अलसी मेथी दे रहे हैं उसको, मेथी मैंने आज स्किप करवा दी। मैम देखो, मैंने ना एक्चुअल में जब मैं गायनी के ज्यादा पेशेंट देखती थी तब मैं एलोपैथी में काम करती थी, तो ऐसे मेरे पास एएनसी वाले पेशेंट अब कम आते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लो गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना जब थाई रीजन में पेन ज्यादा हुई यूटीआई की वजह से, और लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है तो उसमें आप ठंडे पानी की बोतल से सिकाई करो, और मतलब किसी को भी प्रेगनेंट क्या नॉर्मल लेडीज को भी एकदम फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी हो बोतल प्लास्टिक वाली, और आप सिकाई करो, देखो तुरंत आराम आएगा। ओके हाँ, वो मेरा किया हुआ है खुद। अरविंद सर पूछना है कि सूक्ष्म त्रिफला एएनसी में दे सकते हैं क्या सर? हाँ सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं, त्रिफला गुगुल भी दे सकते हैं। एक वो डॉक्टर
सुधीर साहू जी है ना, उन्होंने दिया था एक पेशेंट को, तो वो तो डिलीवरी भी अच्छा हो गया। त्रिफला तो सर हो सकता है कि लास्ट में दे सकते हो, मैम ज्यादा बता पाएंगी, अंजना मैम, हो सकता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि गुगलू लेखन करता है तो प्रेगनेंसी में अधिकतर गुगलू नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाली बात है, नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सूक्ष्म त्रिफला रेकेट ही दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा पेशेंट का मैम। गूगल का क्या कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा सर वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वेट के पीछे दो तीन वजह हो सकती है। एक तो खा पी नहीं रही होंगी, अगर वेट बढ़ाना चाहते हो तो सर आप वो कर सकते हो, अच्छी पनीर हो घर की, 100 ग्राम वो कर ले, हल्का सा घी में फ्राई करके, थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर, हल्का सा काली मिर्च डालकर उसको खाएं, बहुत जल्दी वेट गेन होता है। तो डेली 100 ग्राम में 50 ग्राम वो पनीर खा सकती है, अगर वो मतलब डाइजेशन अग्नि अच्छी है तो उससे वेट गेन बहुत बढ़िया होता है। जी जी मैम, वैसे यूएसजी के पैरामीटर सही है। मेरी भी एएनसी में दे सकते हैं क्या मैम? मैम मेरे को जब मेरा खुद का बेबी पेट में था तो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज में थी तो कुछ खा पी नहीं पाती थी, तो मेरे को उस टाइम मेरी मैम ने, डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल थी उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ जहाँ पर अंजना मैम पोस्टेड हैं, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था, तो मैंने यही खाया था, ये उनका कहना था कि शशि रोज खाओ इस चीज को। और दूसरा बात है कि गूगल कल पे ना ज्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए, थोड़े दिन देने में क्या है प्रॉब्लम? क्योंकि मैम जो आप खाना खाते हो ना, जैसे मान लो पनीर की सब्जी दिस दैट खाते हो, तो पनीर की सब्जी से सिंपल सिर्फ अकेले हल्का सा, जैसे मान लो आपके 100 ग्राम में 1 चम्मच घी भी नहीं लगेगा, उसको हल्का सा सौते कर लिया, जैसे कई सारे लोग कच्चा पनीर नहीं खा पाते हैं, तो आप उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक वगैरह डाल दिए ना, बहुत हल्का सा, तो आपको अच्छा लगेगा और आप खा सकते हो डेली 100 ग्राम 50 ग्राम, तो इससे वेट बहुत अच्छा बढ़ता है बेबी का। ओके मैम, ठीक है, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन, ये देंगे तो वेट अच्छा उससे हो जाता है कि इससे भी इससे बड़ी बढ़िया होती है ग्रोथ वगैरह सारी चीजें। जी सर, ये उन्होंने ठक्कर सर ने भी एक बार बताया था, और प्रेगनेंसी का सर आईजीआर हो तो मैं देखकर कल बता दूंगी, पर आईजीआर में तो यही सब है कि ठीक है मैम, सही में मैं कल दिन में शायद फोन कर लूंगा आपको एक बार। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। वो अरुण जी आए कल, नहीं आ पाए थे। ठीक है, वो इतना गुस्सा होके चले क्यों गए थे कल? नींद थी सर। नमस्ते सर, कैसे थे आप? कल तो गुस्सा में चले गए थे। कल मैं थोड़ा थकावट में था सर, बहुत ज्यादा, कहीं बाहर पर गया हुआ था। अच्छा, तो वापसी में थकावट ज्यादा, नींद बहुत आ रही थी, मेरे बात हो पाएगी कि नहीं होगी। तो आप कैसे हैं अभी? ठीक है सर। तो आंखों से क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? ग्लॉकोमा अभी आंखों में तो प्रेशर तो कम है ही गया था, आपको पता ही है, उसके बाद मैं बीच में अभी गैप क्या, बाकी तो सब सही है, वैसे तो शरीर भी ठीक ठाक हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और दिखाई देने का कितना इम्प्रूवमेंट है अभी? वो देखो सर, आप लोग कितनी जल्दी करते हो। तो अभी क्या इम्प्रूवमेंट क्या हुआ आपको? इम्प्रूवमेंट अभी आंखों में आराम तो है सर, मतलब प्रेशर कम हो गया। मैं बता रहा था परछाई सी है ना, वो कभी एकदम दिखती है और कभी एकदम ओझल हो जाती है। अच्छा, बाकी तो आराम है वैसे। प्रेशर कम हो गया आपका आँख का? आँखों का प्रेशर तो कम है सर, अब इस बार एक महीना हो ही गया, अब चेक कराऊंगा 2-3 दिन बाद ही। ठीक है सर, फिर बताता हूँ फिर आपको क्या है। ठीक है, बाकी आप देख लेना सर कैसी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर साहब पे तो विश्वास है ही हमें। आपके डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी बहुत हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना प्यारे डॉक्टर हैं और इतना अच्छा नॉलेजेबल है। नहीं नहीं सर बिल्कुल, एक तो बातचीत से पता चल जाता है ना सर। और इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। आधा बीमारी तो आदमी की जब ही खत्म हो जाती है। हाँ। और सर मैं इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। हाँ हाँ वो बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपको प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। इनका थोड़ा सा पेट का इशू बता रहे थे, पेट साफ नहीं हो रहा था, बाकी तो इनका ठीक चल रहा है सर। तो पेट साफ करने के लिए क्या दे रहे हैं अभी? मैं इनको सर ना वो क्या कहते हैं, मैं त्रिफला ही दे रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, इनको मैं आज से 100% मालती ऐड कर रहा हूँ सर। ठीक है करिए, एक एक टैबलेट सुबह शाम दे रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए हाँ जी सर, मैं हाँ लिखा है आपने,
हाँ सर, ये मधुमालिम बसंत रस जो है ये आयुजीआर में बहुत बढ़िया काम करता है। वो जो वैद्य राजेश ठक्कर जी है ना गुजरात वाले, तो उनकी मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी तो ऑनलाइन, तो सर ने उसमें बताया था कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है। और अगर प्लेसेंटल इंसिफिशिएंसी हो तो उस वक्त लघु मालिनी बसंत जो है इम्प्लांटेशन में बहुत बढ़िया काम करता है। और सारी चीजें और भी हैं लेकिन मेनली ये मधुमालिनी बसंत जो आईजीआर में बहुत बढ़िया काम करता है जी। ये दे लें पेशेंट को अपने अगर वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है बच्चे की। मैम मैम हाँ जी मैम, डोज क्या रखना चाहिए स्वर्ण मालिनी बसंत का? नहीं मैम, स्वर्ण मालिनी मधुमालिनी बसंत है। हाँ मधुमालिनी, तो मेरे ख्याल से 1 BD रख दें सफिशिएंट है, या शुरुआत में ज्यादा डर लग रहा तो 1 OTG रख दें, फिर धीरे धीरे करके चाहे बढ़ा लें। ओके ओके, सर ने एक बताया था, उन्होंने कराया है बहुत सारे पेशेंट को, तब उन्होंने उसी वक्त बताया था जैसे बहुत सारा ये सब हो जाता है ना कि लग रहा है कि कार्डियक मूवमेंट नहीं आई है, तो उस केस में लघु मालिनी बसंत वगैरह दे करके पेशेंट को वेट कर लीजिए काफी टाइम, तो 1-2 हफ्ते तक दे लो, उसके बाद आ जाती है। जैसे बहुत सारी होती है ना प्रेगनेंसी तो UPT पॉजिटिव है बट अल्ट्रासाउंड आप कराते हो उसमें कार्डियक मूवमेंट नहीं रहती है, तो सर ने बताया था ये सब चीजें दीजिए तो आ जाएंगी। बहुत अच्छा बताया आपने जी, थैंक यू सर। आप लोग शायद एक मैम को भूल गए, एक डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम है जो बहुत अच्छी डॉक्टर है दिल्ली की। हाँ आजकल मैम बोलते नहीं है। आ गई मैम, आ गई है डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम। प्रणाम सर, कैसी हैं आप शुक्ला मैम? सर ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। वो आपकी किडनी के पेशेंट कैसे हैं? सर वो किडनी के पेशेंट ठीक हैं, उनको मैंने उनका अभी प्रोटीनूरिया कम नहीं हो रहा तो वो मैंने अब ट्रीटमेंट चला रही हूँ, बट वैसे जनरल उनका सब कुछ ठीक है सर, कंट्रोल में है। बस प्रोटीन अभी मुझे लग रहा है सेलुलर लिवर पे हमें काम करना है तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। चूर्ण बस्ती से स्वेलिंग कम हो गई थी और पेशेंट को अभी भी चीर बस्ती चल रही है, लास्ट 2.5 मंथ हो गए हैं उनको तो रेगुलर चल रही है, और बाकी तो सब वही हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को जो चला जाता आदि बटी वगैरह। तो पीछे मैंने उसको प्रोटीनूरिया की वजह से शिवा कोटिका वगैरह भी चलाई थी, तो अभी देखते हैं सर इस मंथ में फिर दोबारा रिपीट करेंगे। आपने चूर्ण बस्ती में क्या क्या डाला था किडनी के पेशेंट को, वो थोड़ा बता दीजिए प्रोसीजर, मुझे याद है लेकिन बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको फायदा होगा। सर चूर्ण बस्ती में मैंने अजमोदादी पाउडर डालवाया था और सेंधवादी ऑयल डाला था 2 चम्मच, हाँ, और साथ में हमने मैंने ये आपका ब्रक दोष हर क्वाथ आता है वो और सर्पकल्प क्वाथ, ये दोनों मिक्स करके इसकी मैंने बस्ती का निरूप के हिसाब से क्वाथ बनवाया था और साथ में इसमें और 1 चम्मच सेंधा नमक डाला था सर, ये दिया था 2 बस्ती दी थी। मतलब काढ़ा बना के यही चूर्ण को सोक करके रख दिया आपने? हाँ सर, इसको ही चूर्ण को मिक्स कराया उसमें करीब 4 चम्मच कराया था मिक्स मैंने अजमोदादी, क्योंकि वैष्णवार चूर्ण जो है वहां नहीं मिला था, पेशेंट मेरा बरेली में है तो उसकी मिसेज दे रही थी सारा ये सब ना अपने आप से, मैं गाइड कर रही थी दिल्ली से केवल। तो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ इसमें एक तो ब्रक दोष हर क्वाथ लिया था मैंने और सर्प कल क्वाथ लिया था। अच्छा, इन दोनों को ये तो पतंजलि वालों का आता है। हाँ हाँ वही लिया था तो उसको ही करके मैंने क्वाथ बनवाया, तो पहले हमने 250 ml दिया था फर्स्ट डे तो वो एब्जॉर्ब हो गई थी, तो फिर नेक्स्ट डे हमने 500 ml करीब दिया था, 500-550 ml, तो यानी कि 250-250 दोनों कर दिया था। हाँ मैंने तो मिक्स करा दिया था दोनों जैसे करके। नहीं वही मैं रेशियो पूछ रही हूँ, 1:1 था, 1:1 था। हाँ 1:1:1 करके इक्वल अमाउंट में, और उसके बाद उसका क्वाथ तैयार कराया और उसके और इसमें 4 चम्मच करीब मैंने अजमोदादी पाउडर मिलवाया था और 3-4 चम्मच ही सेंधवादी ऑयल डलवा था, 1 चम्मच वो, और सिंपल मिक्स करके और मैं उसने दे दी थी बस्ती। अच्छा तो स्वेलिंग काफी इमीडिएट 3 बस्ती गई थी और 3 बस्ती में ही स्वेलिंग एकदम सबड्यू कर गई थी। तो मैम आमोद का पेशेंट था? नहीं नहीं मेरा एक CKD का पेशेंट चल रहा है और ये इसको ना लेफ्ट साइड में किडनी सिस्ट बन गई है और किडनी सिस्ट तो डिसॉल्व नहीं हुई बेसिकली, वो तो साइज वहीं के वहीं है बट उसको स्वेलिंग भी थी अब्डोमेन में, वो अलग से अपरेंट दिख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है कारण, तो इसी वजह से तो मगर स्वेलिंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया विदिन आवर 3, उसमें ये हमने 3 दी थी और 3 बस्ती में ही पेशेंट की स्वेलिंग इमीडिएटली 3rd डे बिल्कुल सबड्यू कर गई थी।
मैडम क्रिएटिव कितना था उनका? मैम जब हमने स्टार्ट किया था तब तो उसका 2 के राउंड में था, बट अब तो 0.76 ऐसे चलता है, यूरिया कंट्रोल है उसका। मैम ये आपका ESR जो था 82 था, अब वो 17 पे आ गया है विद इन 6, मेरी 6 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है। जो 250 ml का रक्त दोष और सर्वकल्प, इसमें आपने अजमोदादी चूर्ण 3 ग्राम मिलाया था क्या? 3 नहीं मैम, 4 चम्मच मिलाया था, करीब 20 ग्राम के राउंड में। 20 ग्राम। और ऑयल कौन सा बोले आप, 3 चम्मच? सेंधवादी ऑयल मैम। सेंधवादी, वही मैंने बोला सेंधव होना चाहिए। हाँ, सेंधवादी ऑयल और सेंधव साथ में मिलाया था। लेकिन पेशेंट को शोथ इतना 2 ग्राम के क्रिएट में नहीं आना चाहिए। नहीं, शोथ नहीं था मैम। हाँ। वो तो उसको शोथ जो प्रॉब्लम थी वो तो मेरी सारी उस ट्रीटमेंट से स्टार्टिंग से ही ठीक हो गया था, पैरों का जो उसका फुट रीजन था वो तो। बट इसको ट्रीटमेंट करते करते कुछ मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं रात को इसको बस्ती दिलाती थी ना, मात्रा बस्ती, तो ये होल्ड करता था इसको ना कि निकल ना जाए, तो शायद कहीं ना कहीं बात का प्रतिलोम गति हुई, उसकी वजह से इसको लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर ना स्वेलिंग होने लगी, मतलब वो एब्डोमिनल रीजन जो है मैम स्वेलिंग होने लगी, वो पर्टिकुलर दिखने लगा हम लोगों को अलग से कि समथिंग इज ना वहां पे क्या है। तो हमने वो कराया था अल्ट्रासाउंड, तो फिर पता चला कि लेफ्ट किडनी में सिस्ट है इतने इतने साइज की। अच्छा अच्छा, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं था? नहीं नहीं, वो सब सही है। तो फिर दैट्स व्हाई आई, तो वहां पे मैम थी ना, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैम आप दे के देखो। प्रोटीनेरिया भी कम हुआ है, बट उतना नहीं हुआ जितना हम चाह रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि सेलुलर लेवर की काफी सालों की ये संप्राप्ति है। वैसे पेशेंट मेरा बिल्कुल फिट है, मतलब उसको अपने काम भी सारा बहुत अच्छे से कर रहा है, सारी सिस्टम सही है उसकी, तो वो सब सही है। तो मुझे लगा सेलुलर लेवल पे ठीक है, हम स्लोली चलते चले जाएंगे, यही सब मेडिसिन दे रहे हैं, तो दे रही हूँ मैं उसे। मैम आपने अनुवासन भी दिया था बीच में? तेल का भी दिया था, और एक मैम मैंने ये इसको पंचतिक नहीं पुनर्वास्तक जो जो क्वाथ है ना उसके कंटेंट मंगा के और साथ में शताब्दी वगैरह मिला के ना सबका मैंने एक तेल सिद्ध कराया था। मेरे पेशेंट की वाइफ बहुत ही डेडिकेटेड है, मैं उसको क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूँ मैम, कुछ नहीं कर सकती, मैं बरेली में हूँ तो मैं सब उसे गाइड करती हूँ। तो उसने तेल भी सिद्ध किया था और उससे भी बस्ती दिलाई मैंने। ओके, हाँ तो थैंक यू मैम। हाँ, उसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि फ्रेश तेल बना के उसको यूज किया है, तो उसका भी फर्क आएगा। तो अभी हम वो ही चला रहे हैं उसका बस्ती, हम तिकचीर बस्ती में उसको ही तेल को डलवा देती हूँ मैं, चल रहा है। अच्छा, हाँ, थैंक यू। कमल मैम सुबह सर पूछ रहे थे ना पुनर्नवा क्वाथ और पुनर्नवा अरिस्ट में कौन ज्यादा बेटर है, तो अकॉर्डिंग टू भैषज रत्नावली आज मैंने पढ़ा उसको सारी चीजों का, तो पुनर्नवा अरिस्ट जो है पुनर्नवादी क्वाथ के अपेक्षा ज्यादा बहुत बेटर है, मतलब उसमें त्रिदोषज में दे सकते हैं और बड़े अच्छे से दे सकते हैं, मतलब उसमें जो डिसीज कवर है करीब 3-4 times कवर है। हाँ, तो अरिष्ट है ना वो, तो क्वाथ बना के बनाते हैं, तो अच्छा हो गई। हाँ, तो मैंने भैषज रत्नावली इसलिए पढ़ता था उसमें। दिल से खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा भैषज रत्नावली पढ़ के नया नया चीज ला रही है। सर मैं पहले भी पढ़ती थी, एक पेशेंट मेरे पास आता था ना, तो मैं मेरे पास 8-10 किताबें हैं, जैसे चरक सुश्रुत के अलावा लगभग सारी संहिताएं हैं मेरे पास, तो मैं शुरू से सारी पढ़ती हूँ। हाँ, बस मेरे पास चक्रदत्त नहीं है और वो आपके स्ट्रांग संग्रह और स्ट्रांग हृदय नहीं का वो नहीं है, मतलब जो टीकाएं हैं वो नहीं है। मैं भेज दूं क्या आपको? मैं सब भेज दूं। हाँ, अगर संस्कृत टू हिंदी टीका हो जो सर्वांग सुंदरी है और ये सब सारी टीकाएं, तो चक्रदत्त की भी संस्कृत के साथ हिंदी में गूगल पर सर्च कर रही पर मुझे मिला नहीं। हिंदी में है चक्रदत्त की टीका? नहीं सर, संस्कृत हो साथ में हिंदी हो ना, कई बार मैंने देखा अर्थ है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो थोड़ा सा अपने आप से, और संस्कृत एक बार रटा जाती है ना तो दिमाग बहुत अच्छा रहती है, हिंदी रटना मुश्किल है। हाँ, आप चिंता मत करें, मोनिका मैम अभी लिखने वाली है सारी, जो अपनी अरुंधत और हिमाद्री की टीका है ना पूरा हिंदी में लिखने वाली है मोनिका मैम। हाँ, मोनिका मैम कितना अच्छे से ट्रांसलेट करती है डेली। जी हाँ जी, शशि मैम भी बहुत अच्छा करती है सर, मेरे से भी ज्यादा अच्छी करती है। शशि मैम को ही करवाते हैं ट्रांसलेट। थोड़ा सा फोर्स में, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग सुबह जब पढ़ते हैं तो मजा आता है,
कुछ तो नया सर। हाँ मैं किचन में रहती हूँ इसलिए मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि मेरे घर की आवाजें आती रहेंगी सर उसमें। नहीं पर शशि मैं सच में बहुत अप्रिशिएबल है कि आप इतना R&D भी करते हो बैठ के ना, वैश्य रत्नावली वगैरह ढूंढते हो, ये बहुत ही अच्छा है मैम। और आप कंसर्न भी ओके, उसने पूछा तो मैं उसका आंसर ढूंढूं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जमदग्नि सर का भी ऐसा ही है कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो सर ने रेफरेंस के साथ बता देते हैं शाम तक, सर भी ऐसे ही करते हैं। जैसे सर मैंने एक चीज और आज देखा था बहुत बढ़िया था कि हाँ। जो नेत्र की डिसीज है तो मैंने आपका वासकादिकवास देखा, वासकादिकवात है एक्चुअली, और बृहत वासकादिकवात भी देखा, और साथ में देखा कि नेत्र डिसीज में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दो काम कर सकते हो, त्रिफला या तो घृत के साथ चला दो, मान लो पित्त विकार है, और या तो त्रिफला मधु के साथ चला दो। तो बहुत अच्छा दे रखा है उन्होंने जो भाषा। मैंने शाम वाला डोज नहीं गया था, अभी मैं खा लूंगा। हाँ सर आप खा लेना। बृहद वासकादिक कषाय से इतना अच्छा अग्नि प्रदीप्त होता है ना, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। हाँ मेरे लिए बनाना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं पढ़ा रही थी, हाँ मैं पूरा पढ़ी 3-4 चीजें, तब देखा मैंने मतलब कि नासा उपकरण रोग सारी चीजें, और ये और ज्यादा कड़वा नहीं है बाकी, और चीज से ज्यादा कड़वा नहीं लगता सर। जब ठीक होना है एक्चुअली में क्या हो गया, पास का तो मैं चश्मा लगा लूं तो पढ़ नहीं सकती हूँ, बगैर चश्मा के ही पढ़ सकती हूँ, लेकिन दूर का मुझे पता नहीं क्या स्ट्रेन पड़ रहा है आजकल। अभी क्या है, जैसे एज बढ़ेगा और चश्मा लगेगा तो फिर अच्छा नहीं है ना इतना बड़ा चश्मा। सर लगा है 20 इयर्स से, तब से लगा है सर। मैंने भी लिया सुबह सर आपसे मोटिवेट होके, मेरे पास तो यवकुट था तो मैंने उसको पानी में भिगो दिया, थोड़ी देर तक भीगे रहना दिया, उसके बाद मैंने वो पी लिया छान के। मैंने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो मैंने पिया। मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं, मुझे मोनिका मैम को गिफ्ट देने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ पहले मैंने आम पाचे कोटी गिफ्ट दिया मोनिका मैम को। जी सर बिल्कुल सर, क्योंकि आप ना रेगुलर पढ़ाई करती है इसलिए मुझे आपको गिफ्ट देने का मन करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोनिका मैम वो कड़वा है मैम, है कड़वा है लेकिन उतना नहीं है मैम, पिया गया मेरे से, मतलब पहले मैं थोड़ा ज्यादा डर रही थी कि बहुत कड़वा, तो मैंने वो यवकुट चून को भिगोया लिया, थोड़ा कड़वा तो है मैम थोड़ा सा, मैंने फिर वो मीठे वाली सौंफ होती है ना वो में डाल ली थी। अच्छा नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला था ना कि बहुत कड़वा है, तो फिर उस वजह से थोड़ी कड़वा तो है मैम, कड़वा तो है क्योंकि उसमें जो भी चीजें हैं कड़वा तो है, इतना कड़वा नहीं है, मैंने अभी खाया इतना कड़वा नहीं लगता है, ज्यादा कड़वा तो कुटकी लगता है और गुड़मार लगता है। सर मुझे लगता है पाउडर लेना ज्यादा इजी होगा सर, मैं भी इसको फाइन पाउडर कर। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं कल भेज देता हूँ आपको। जी सर। हाँ, सर मैं भी पाउडर फॉर्म में ही खाऊंगी, मैंने सुबह भी बोला था वो पीने वाला ज्यादा में मुंह में डालिए पानी पी लीजिए अपने आप चला जाता है, कुछ कड़वा नहीं लगता, मैंने अभी खाया मुझे कुछ नहीं लगा कड़वा। सुंठी और चित्रक है ना तो वो अग्नि दीपन कर देता है और पूरा रक्त वाहिनियों को ताकत दे देता है, इसलिए बहुत अच्छा पूरा दिन अच्छा गया मेरा। और भैषज रत्नावली में सर शोथ रोग प्रकरण में एक चीज और है बहुत इजी सा कॉम्बो, कि अदरक स्वरस है या सुंठी है इसको आप पुराने गुड़ के साथ दीजिए। अच्छा। मतलब गुड़ का बहुत ज्यादा जगह था हरितकी के साथ, इसके साथ उसके साथ, मतलब बहुत इजीली दिया जा सकता है ये चीजें, तो शोथ रोग प्रकरण में उन्होंने खूब दे रखा है इसके कंटेंट, अच्छा है एक्चुअली। जी देखिए रमन गर्ग जी क्या लिख रहे हैं कि इसमें घी और हनी मिक्स करके ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा कड़वा नहीं है, मैंने देखिए मैंने हर चीज का टेस्ट किया है, कुटकी का किया है, तगर का किया है, नीम का किया है, लेकिन ये इतना ज्यादा कड़वा नहीं लगा। हाँ नीम से कम होगा तो कैसा रहेगा सर? जी सर क्या बोल रहे हैं, इक्षुरस के साथ कैसा रहेगा? इक्षुरस के साथ लीजिए, लेकिन इक्षुरस रोज लाएंगे क्या? रस ले सर वो बढ़िया रहेगा, आयरन भी कंटेंट भी बढ़ाएगा। या फिर वो शशि मैम गुड़ का पानी बनाती है ना जो वैतरण, वैसे गुड़ का पानी के साथ ले लीजिए सर, उतना सब कुछ करने से ज्यादा बेटर है, उसको डालो पानी पी जाओ, ऊपर से आधा गुड़ खा लो। हाँ दैट्स ऑल, बस ये है कि पाउडर मुंह में डालेंगे तो अटकना नहीं चाहिए, पानी तुरंत पीना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, वो तो पानी में घोल के पी लीजिए सर, शंख भस्म में भी तो कड़वी होती है। अब क्या है कि सबसे ज्यादा कड़वा चीज इस दुनिया में किसने पिया है, सबसे ज्यादा कड़वा आप बताइए सर? शिव जी जो है उन्होंने विष पिया है। हाँ सर उन्होंने तो, वो तो बात है, इसलिए नीलकंठ भगवान कहलाए, तो इतना कड़वा तो नहीं होगा ना हमारा दवाई सर। जैसे गिलोय का बनाते हैं काढ़ा वो भी मतलब ऐसे स्वरस, वो भी कड़वा होता है, और ये जो बनाते हैं गेहूं के जौ का स्वरस इसमें भी है, गिलोय है
इतना कड़वा नहीं लगता ये ज्यादा, इसमें बासा का थोड़ा सा टेस्ट आता है। मैंने पिया है साल दो साल अपने ऑफिस में लगा करके गेहूं वाला, वो भी थोड़ा कड़वा रहता था, सारे लोग नहीं पीते थे। असली में अच्छा के हर चिकित्सक को ना वृहद वासकादि कषाय लेना चाहिए, क्योंकि आंखों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आप लोगों की आंखें अच्छी रहनी चाहिए 100 साल तक होने के बाद भी। हाँ सर, जब तक जिंदा है तब तक पढ़ना है एक्चुअली। तो क्या है कि इससे हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि वासा है ना तो कभी रक्तवाहिनी फटेगी नहीं, रक्त पित्त नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, इतना अच्छा फायदा होता है। एनुरिज्म नहीं होगा आपको, आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा, कोरोनरी प्रणाम सर। हाँ जी सर, ये पाउडर फॉर्म में लेना ज्यादा इफेक्टिव है कि उसका काढ़ा बना के काढ़ा? लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पाउडर फॉर्म। आपने बताया नहीं आपकी बेटी में क्या फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ तो भी बोल दीजिए, नहीं फायदा हुआ बोल दीजिए। नहीं सर, बाल झड़ना तो बंद हो गया अभी, लगभग 70-80% आराम है। और आंखों में? आंखों में भी 19 डेली डाल रहे तो काफी अच्छा है, आंखों के लिए मैं बेटे को दे रही हूँ स्पेशली। अच्छा हाँ, बेटे को कैसा लग रहा है आंखों में वृहद वासकादि कषाय? थोड़ा सा उसको ब्लर जो दिखता था दूर का, वो थोड़ा हल्का कम हो गया। हाँ देखिए, नलिनी मैम के बेटे को फायदा हुआ, मैंने भेजा था वृहद। और सर मुझे भी फायदा हुआ है, मुझे पहले शीशे में मेरा चेहरा चश्मा लगाए बगैर दिखता नहीं था, अभी बगैर चश्मे के दिखता है सर। देखिए नस्ते भी ले रहे हो सर रोज, सामने सामने प्रूफ की कितना फायदा होता है। मैम वृहद वासकादि से हेयर फॉल भी आप बता रहे कि बंद हो गया? नहीं मैम, वो उसका वो नीली भृंगेदि ऑयल दिया था सर ने। अच्छा अच्छा, ओके। उसके लिए अलग। और वो फेस पे जो दाग दाग था वो कैसा है? दाग कम हो गए सर अभी। अच्छा, और जो टेंशन आता था, डर लगता था, वो सब? हाँ वो थोड़ा अभी नॉर्मल होने लगी है अभी। मैं आपका दवाई कल भेजूंगा, मेरे पास अभी। आप लोगों ने इतना सारा डिमांड कर दिया है ना कि मैं दिन भर दवाइयां पैक करना और कुरियर करने में पूरा दिन चला जाता है, तो अभी मेरे इतना शॉर्टेज हो जाता है सब चीज का, इसलिए लेट हो गया, कल भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू। सर एक चीज और बतानी थी, एक हाँ। मैम ने कहा था, मुझे नाम उनका भी याद नहीं, कि छीरबला तेल का ना बालों में लगाने के लिए कि लगाना हाँ। है, फिर एक्सपीरियंस बताना है, तो हाँ। मैं वीक में एटलीस्ट 2 बार लगाती हूँ, वाकई बाल मतलब उससे अच्छे हो जाते हैं, मतलब कंडीशनर की लोड नहीं रहती है। हाँ। तो ये मैं तब से कर रही हूँ जब से मैम ने बोला था। मैम छीरबला ऑयल? हाँ छीरबला ऑयल, मतलब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, कंप्लेन करते हैं कि बाल ड्राई से हो रहे हैं या बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं, तो कई बार हम सोचते रह जाते हैं कौन सा ऑयल दें, क्योंकि कुमकुम आदि तैलम वगैरह बोलेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, और मार्केट में जो कंपनी वाले हैं वो तो सारा केमिकल ही है मैम, तो कुछ समझ में तो आता नहीं, तो छीरबला तेल बहुत अच्छा है, और सर वाला होगा तब तो वाकई बहुत अच्छा होगा, मतलब मैंने तो यहीं पर पुटकल वालों का यूज किया था छीरबला तेल, तो छीरबला तेल आप लगा सकते हो सर में, बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग क्या सारे लोग, एक मैम ने बोला था लगाने को, तब से मैं लगा रही हूँ। मसाले गाढ़े करने बोला शायद। वैशाली मैम ने बोला था जी, वैशाली मैम ने बोला था, वैशाली गाढ़े कर। हाँ तो मैम ने बोला था, मैंने तब से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग और लोग भी यूज कर सकते हो मेरे कहने मतलब। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। सर जो पुराने गुड़ की बात करते हैं, तो सर अगर पुराना, जैसे अब इन दिनों पीछे नया गुड़ निकला, तो सर वो जो मौसम फिर आ जाता रेनी सीजन, उसमें जैसे मर्जी संभाल लो, मेरे से तो फंगस लग जाती है हर समय जब मैं देखती हूँ उन दिनों में, जो अगर ज्यादा लेके रमन सर अच्छा से बता पाएंगे, रमन सर और पवन सर वो आपके एरिया के है ना, वो ज्यादा अनुभवी है। सर मैंने भी बड़े अच्छे से ना सामने निकलवा के पीछे एक दो बार, मतलब काफी गुड़ इसके पुराना गुड़ है तो अच्छा रहेगा, पर सर वो कितना भी संभाल के रखा बट उसे फंगस लग जाती है बरसात के दिनों में। मैम आप फ्रिज में रख दो। अच्छा फ्रिज में तो नहीं रखा मैं कभी। आप फ्रिज में रखो, मैं तो मैक्सिमम ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसमें मैंने गूगल सिद्ध किया, शुद्ध किया हुआ है त्रिफला में, तो मैं उसको भी फ्रिज में फ्रीजर कर दिया, जब जरूरत होती है तो निकाल लेती हूँ और यूज कर लेती हूँ। तो मैम उसे क्या फिर रैप, क्योंकि अगर ऐसे कंटेनर में रखेंगे फ्रिज में भी, प्लास्टिक किसी में भी रखेंगे, टपरवेयर वगैरह में, तो वो मॉइस्चर तो अंदर फिर इकट्ठा होगा डिब्बे में। नहीं नहीं आप पॉलिथिन में टाइट करके बंद करके और फिर रख सकते हैं, हम तो बहुत सारी चीजें रखते हैं कीड़ा वगैरह ना हो जाए, नॉर्मल रूटीन में हम लोग काफी चीजें रखते हैं, सूजी और बेसन तो रखती हूँ मैं भी। हाँ जी वो तो रखती हूँ मैं भी ऊपर फ्रीजर में। हाँ चलो ये रखा नहीं, फॉइल में जैसे करके इसको फिर रखते हैं। हाँ, आप ऐसे रख सकते हैं तो खराब नहीं होगा।
किस चीज में मैम क्या प्रॉब्लम आई? वो सुन नहीं पाया, बीच में आवाज कट हो गई। गुड़ का पूछ रही है मैम। पर जैसे गुड़ को बरसात के मौसम में फंगस लग जाती है। फंगस तो नहीं लगता मैम। पर ये है ना कि पुराण गुण बोलते हैं ना कई सारी चीजों में ट्रीटमेंट में है, तो नहीं पुराने में भी नहीं लगा। पुराना तो और ज्यादा सेफ हो जाएगा उल्टा, क्योंकि एक गर्मी निकल गई ना तो उसका पूरा मॉइस्चराइजर है जो खत्म हो जाता है, वो इतना हार्ड हो जाता है, वो धीरे धीरे जब दोबारा बारिश होगी तब दोबारा मॉइस्चराइजर खींचेगा हवा से, फिर थोड़ा नरम होगा वो। अच्छा सर, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि अगर जैसे बड़े कंटेनर 10 केजी वाले में मैंने रखा, वो मैम फिर प्रॉपर बना नहीं, उसमें से मॉइस्चराइजर खत्म ही नहीं हुआ, वो कच्चा ही उन्होंने दे दिया। नहीं सेम ही गुड़ ना, फिर जैसे व्हाइट कलर के वो थैले आते हैं जैसे जिनको असि बोरी कह देने हैं पंजाब। हां जी हां जी हां जी, ओदे फिर पंजाबी है नहीं, मैं बोलो कोई नहीं पंजाबी दसो। हां जी हां जी सर, मैनु पता ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ 에ਅਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਲਸ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ 에ਅਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਰੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁੜ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁੜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੰਗਸ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਪਿਓਰ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵੱਕਰ ਡਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਜਬ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਜੋ ਲਿਕਵਿਡ ਜਬ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਬ ਉਸਕੋ ਹਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਮ ਸੋਲਿਡ ਹੁਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਸਕੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ, तो उसमें जो है जलियांश रह जाता है, तो उसकी वजह से हो सकती है ये प्रॉब्लम। हाँ जी वो भी, ये भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये ना एक और बताता हूँ, इसमें जो भी हलवाइयों के पास ना मिठाई भी आती है एक ऐसी, आपने देखा होगा जो बर्फी बनती है ना, एक तो पूरा बिल्कुल खोए को पूरा टाइट करके, जैसे मावा तैयार हो गया उसको पूरा टाइट करके बनाते हैं, तो उसकी लुक और टेस्ट अलग रहेगा। एक मार्केट में आती है उसको आधी में, जैसे मतलब चीनी डाली आधे में ही, अभी थोड़ा हल्का टाइट करके बस उसको ऐसे ही फ्रीज कर देते हैं, बर्फी काट के मार्केट में आ रही है उसको, तो मतलब देखने में वो बर्फी है नहीं दिया उसका जो होना चाहिए। हाँ, पूरा थिक नहीं हुआ बिल्कुल, पूरा टाइट नहीं हुआ, खोआ बना ही नहीं उसका। हाँ जी हाँ जी, मतलब मान लो 1 किलो में से पहिया बनना था या 200 ग्राम बनना था, तो उसको 400 ग्राम पे ही खत्म कर दिया मतलब प्रोसेस उसका, तो ऐसे भी हो रहा है, तो वही सेम प्रोसेस वो गुड़ के साथ भी हो सकता है। हो सकता है हाँ जी, चलो ध्यान से इस पर देखती हूँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने सर। आरग रोड तनिवटी बता रहा था मैं सर। हाँ बताइए। 157 रुपए की 80 टेबलेट है सर, आज का रेट है सर नारनौल में। कितना कितना? 157 और 80 टैबलेट्स। पहले से रेट बढ़ा है क्या? जी यस सर, पहले 139 की थी सर। अच्छा, कितना परसेंट बढ़ गया अंदाज से? अंदाजन लगा रहा सर उस पे 20-21 रुपए हो गए। तो देखिए आरोग्य वर्धनी का रेट बढ़ गया, अभी बढ़ा, 2-3 दिन में ही बढ़ा है। हाँ अभी बढ़ा है सर बिल्कुल। हाँ मैं आज ही पता करके आया हूँ सर। 15% के करीब हो गया सर। हाँ जी 15% हो गया सर। हाँ जी तो। एक और सर उसका बेटा है सर पेशेंट का, अमित है। हाँ हाँ हा, उनको बोलिए वीडियो ऑन करें। अमित वीडियो ऑन करो भाई। अमित अमित जी वीडियो ऑन करिए। अमित जी बोलेंगे क्या? बोलेंगे सर, मैं करता हूँ सर, आप कर लो सर तब। ठीक है, और किसी को यहाँ कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मैं एक केस के बारे में बात करना चाह रही थी। हाँ बोलिए। सक्सेस स्टोरी भी है और अनसक्सेस भी बताऊंगी। एक मेरा पेशेंट बहुत दिन पहले चल रहा था जिसको इनफर्टिलिटी है, एंड उसको काफी कफ भी प्रबल था और उसके दोनों फेलोपियन ट्यूब जो थे वो ब्लॉक थे बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और उसका AMH 0.4 था। तो सर मैंने उसमें मैं आप लोगों के गाइडेंस के साथ ना मैंने इसमें पूर्ण बमन कराया, फिर विरेचन कराया और सब पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद फिर मैंने उत्तरवस्ती दी थी सर। तो उत्तरवस्ती में सर 2 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट आए, पूरा जो 100% ब्लॉकेज था सर वो पूरा खुल गई, दोनों ही ब्लॉक पेटेंट हो गई।
हाँ बट एक प्रॉब्लम आई उसमें कि जो एएमएच 0.4 था उसका ऑलरेडी कम था, वो और कम हो गया 0.1 हो गया। और एक समस्या और आई कि उसका मेंसेस जो है वो 10-15 डेज में होने लगा। तो अभी मैंने फिर मतलब बहुत कोशिश करी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ना कंट्रोल हो जाए, बट उसका बीपी उसका शुगर वो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। फिर मैंने फिर लास्ट में आके उसको प्राइमोलिट एंड टैबलेट चलाई कि मुझे लगा पेशेंट हर 10 डेज में कंप्लेन करने लगा, ब्लीडिंग हो गई। हाँ और वो नॉर्मल सी होती थी। फिर अब ही मैंने उसकी छुड़वाई तो उसको अभी मेंसेस नहीं हुआ। तो फिर मैंने स्टार्ट की मेडिसिन और बाकी थोड़ा आर्तवजन्य काम करने के लिए। तो अभी उसको कल आज ही सुबह मेंसेस स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इससे बीच मीनवाइल 1 मंथ में जो है उसको धातु 6 का सोच के उसे मैंने मॉर्निंग में शतावरी कल्प और दूध पाक करा के जिसमें हमने छुआरा है किसमिस है वो सब डलवा के मैंने दिया। तो मैं इसमें और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखूं? एएमएच के लिए आपने क्या सोचा है? हाँ सर मैंने एएमएच के लिए उसे शतावरी कल्प दिया है और दुग्ध मॉर्निंग में भाप करके छुआरा और उसके साथ शताब्दी कल्प सुबह करके दिया है। और अब अश्वगंधा है और शताब्दी और अश्वगंधा उसकी चल भी रही है। लघु बसंत मालिनी भी मैंने चलाई थी। तो सर ये सब तो मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि धातु 6 जन जन संप्राप्ति सोच के मैंने उसे भ्रंगण के लिए चिकित्सा दी है। आप सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत वो एड कर दीजिए। अच्छा एएमएच बढ़ाना है तो ब्रह्म रसायन दे दीजिए और ये वंग भस्म स्वर्णराज वंगेश्वर स्त्री राज हाँ वो चलाइए वंगेश्वर और पुष्प धनवा रस भी चलाया सर मैंने। बराबर तो बढ़ जाएगा 2-3 महीने में बढ़ जाएगा एएमएच। ओके तो मैं जैसे इस मंथ मैंने मैं सोच रही थी कि उसे बस्ती दे दूं और फिर उत्तर बस्ती एक उसकी दे दूं फलग्रत की और प्रेगनेंसी के लिए सोचूं। बट हाँ। मुझे लग रहा है अभी इतना अर्ली है इस मंथ नहीं करूँ ना सर। हेलो पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर बोलिए। एक मिनट रुक के ये अमित अमित योगी जी आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। माता जी प्रणाम है, भूख लग रही है थोड़ी। अच्छा भूख लग रही है जी सर। ठीक है और मतलब पेट साफ हुआ क्या उनका? हाँ सर थोड़ा बहुत पेट साफ हुआ था। आज मैंने वहां से पिंड छुटवा लिया एसएमएस से और सुबह मैं जाऊंगा अपने नियर बाई जो भी आयुर्वेदिक सर वहां से बस्ती करवाऊंगा। हाँ हाँ जी सर। और जो सर मुकेश सर बोल रहे हैं मुकेश साहू सर वही खाने पीने को दे रहा हूँ। अच्छा जी सर बहुत फायदा है सर। अच्छा सर्दी से बच गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गिफ्ट नहीं दिया मुकेश जी को? सर मैं उनसे काफी दूरी पे था सर। मैं टॉफी भी दीजिए लेकिन गिफ्ट तो देना चाहिए आपको। हाँ सर मैं देऊंगा सर जी। ठीक है बहुत अच्छा। दिल से खुशी हो रही है कि आपकी माताजी ठीक हो रही हैं और ठीक हो जाएंगी। आप चिंता मत करिए कैंसर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है थैंक यू आपका सर। आगे के लिए दवाई का सर कैसे करना सर? आगे का मुझे रिपोर्ट्स क्या मालूम है मुझे? मैं कल रिपोर्ट्स मैं कल सेंड कर दूंगा सर आपको। रिपोर्ट्स और पेशेंट का फोटो वगैरह सब मुझे पूरा स्टडी। ये तो ये प्रॉब्लम के लिए मैंने इलाज बताया जी। ठीक है सर मैं कर लूंगा सर। ठीक है सर ठीक थैंक यू। अभी विनीता शुक्ला मैम आप कुछ बोल रही थी वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर मैं यही इसी तो मैंने फिलहाल जो है उसे पुष्प धनवा रस स्त्री वंगेश्वर रस 1-1 टेबलेट चंप्रावती और शतावरी अश्वगंधा चलाया हुआ है। हाँ तो क्योंकि मेंसेस नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कुमारी आसप भी दिया था उसको। हाँ और पाठा कुटकी यंद्र भी दिया था इसको ताकि इसका मेंसेस हो और कोई समस्या हो है ना सर। हाँ तो अभी इसको एक्चुअल में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा ईचिंग की भी प्रॉब्लम है। इसको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है वजाइनल रीजन में बार बार। हाँ। तो मैंने उसके लिए त्रिफला गुगल और गंधक रसायन दिया था। तो मैं इसको कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करिए करिए कंटिन्यू करिए। और सहचरादी ऑयल की मैंने मात्रा बस्ती बोली थी बट मैं अब क्षीरवलादी तेल की मात्रा बस्ती कह दूंगी क्योंकि इसका मेंसेस की वजह से मुझे इसलिए मैंने थोड़ा लेखन कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सहचरादी दे दिया। मैं क्षीरवलादी चेंज करा दूंगी इसका। ठीक है
और ना भी पूरन बोला था आयरन तेल से सर, ये चल रहा है। तो अब इसमें मुझे सर कुछ ऐड करना चाहिए, जैसे आपने बोला स्वर्ण मकर ध्वज में ऐड कर दूं, है ना सर? स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत। ओके सर, दोनों चीजें ये ऐड कर दूं, बाकी ये ट्रीटमेंट चलने दूं, है ना सर? ये कुमारी आसव कंटिन्यू करूं इस मंथ या नहीं? कुमारी आसव आप देखिए उनका अग्नि कैसे है, उस हिसाब से देखिए पेट साफ हो रहा है कि नहीं। कुमारी आसव जो है वो भेदन करता है और थोड़ा रुक्षता उत्पन्न करता है, तो उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए कभी कभी। द्राक्षासव, द्राक्षारेश, पुनर्नवासव, ऐसे कुछ। हाँ, कुमारी आसव मैं इसको रोक दूंगी, है ना सर? क्योंकि ऑलरेडी ये पाटा कुटकी इंद्र भी चला है, तो इसको मैं फिर इसको मेंसेस के बाद बंद ही कर दूंगी इसको, ये चीजें कर दूंगी। त्रिकटु, हाँ, नाग केसर मैंने दिया, मेरे को लगा इंडक्शन ऑफ उसके लिए ना, ओवुलेशन के लिए ना। अदरक अदरक हाँ, वो मैंने बोला है कि उस पर बना हुआ था, क्योंकि उसने पहले भी लिया अदरक सौरस का ना, उसने घृत में बना के रखा हुआ है, तो वो चल रहा है। तो मैं इसमें बस दो स्वर्ण योग ऐड कर दूं सर ना? ग्रहणी कैसे मैम उसका, ग्रहणी कैसा? ग्रहणी इसका ठीक है, भूख ठीक लगती है पेशेंट मेरी, वैसे पहले जो उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड साइड थी वो नहीं है, समझ से थोड़ा ग्रहणी पे साथ साथ काम करनी है, मैडम भी बताती है ना। मैंने त्रिकटु दिया है ना, त्रिकटु और नागकेसर है ना, तो ग्रहणी पे भी करेगा ना, अग्नि भी ठीक करेगा, चंद्रावती भी करेगा। बीच बीच में बदल बदल के देना स्वर्ण योग, कभी स्वर्ण में वो स्त्री स्वर्ण मंगेश्वर दे दिया, कभी अभ्रक बसंत दे दी सहसर पुटी, कभी और कभी इसमें बसंत मालती दे दिया, कभी पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया, ऐसे बस बदल बदल के देंगे तो ज्यादा। अभी मेंसेस हो जाने दो, तो मैं फिर एक बार देखती हूँ कि उसको चेंज करती हूँ, ठीक है? तो अभी वेट ज्यादा तो नहीं है ना, वेट नहीं है, वेट ज्यादा नहीं है इसका। काफी अच्छा रिस्पांस रहा पेशेंट का, 6.2 इसका HbA1c था, वो 5.9 पे आ गया शुगर। योग और उसका एक्सरसाइज वगैरह वो जरूरी करे, वो भी कर रही है, वो डेली बेसिस पे मैंने बोला है आधा पौना घंटे के लिए प्राणायाम 21 बार बोला है, ओम चांद वो सब मैं करा रही हूँ। हाँ मैम, उसकी एज जो है 32 है मैम, 32 एज है। तो आप एक और काम करिए, क्योंकि एमएच उसका बहुत ही कम है, 0.04 है, जब तक अपना ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी मेंसेस आ गई ना, तो 7 या 8 डेज से उसका ओवुलेशन साइकिल करके देखिए डिपो कुछ चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि आपने ट्यूबल ब्लॉक भी बताया ना। हाँ, यही सोचा है फॉलिकुलर स्टडी एक बार ना करा लूं। हाँ, और नस से देखिए फिर कराइएगा, अर्धक सरस का नस से देखिए, वो कराऊंगी फिर। नस मैंने बोला है 5th डे से स्टार्ट कर दो, और फिर 10th डे पे ना अवार्ड सर कहते हैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल दो फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, तो मैं वो भी दूंगी। कैस्टर ऑयल, क्या कैस्टर ऑयल वो देते हैं, कहते हैं कि 10th डे पे 1 चम्मच रात को कैस्टर ऑयल दो, तो वो ओवुलेशन इंडक्शन में हेल्प करता है, इनको जापान को अनुरोमित करता है। लेकिन उसके साथ में एमएच के लिए जो है वो क्षीर बनानस्य और इंडक्शन के वक्त में अदरक सोरस बहुत अच्छा फायदा देगा। 50% चला दूंगी फिर ना, जब एक बार ये अदरक सोरस का 5th डे से ये ऋतुकाल में हो जाएगा उसके बाद। और उत्तर बस्ती आपने चलाए हैं शायद, तो आप अभी फल ग्रोथ का पीछू भी दे सकती है उसको। अच्छा मैम, हाँ ये आपका 7 डे तक, 7-8 डे और शतावरी अश्वगंधा जरूर चलाइएगा, बिकॉज है तो रोहन ओंकार। बट बहुत अच्छा रहा मैम, बिल्कुल 100% फॉलोपियन ट्यूब बंद थी, और 2 ही महीने में बिल्कुल 100% पेटेंसी आई, तो बहुत अच्छा रहा। बट वही गड़बड़ हो गया कि कहीं ना कहीं क्या वजह रहा। हाँ मैम, और उसमें फाइब्राइड भी थे, फाइब्राइड खत्म हुए, नेबोथियन सिस्ट थी वो खत्म हुई, और मूंगफली में भी सिस्ट थी वो भी खत्म हुई। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका यही था, ग्रंथिरज फार्मूला और बाकी कपूर कांचनार वगैरह, बहुत बढ़िया मैम। अब उनका जो रिपोर्ट है वो शेयर करिए ना, मतलब कितना था और कितना हुआ, क्योंकि 2 महीने में बहुत, मेरे लोग क्या है ब्लॉकेज हुआ है, डिसॉल्व हुआ है कि नहीं, उसके लिए दूसरा हिस्टोसल्फिनोग्राफी नहीं करते, सीधा बोलते कि आप कंसीविंग के लिए परमिशन दीजिए। हां मैम, यही ना वही। तो शुक्ला मैम आप क्या करिए कि ये केस का पहले का रिपोर्ट अभी का रिपोर्ट वो भेज दीजिए, और आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो दे दीजिए, ताकि बाकी लोग भी सीख लें ये चीज। हां सर, मैं बिल्कुल भेजूंगी। आप ग्रुप में है ना
सर नहीं, मैं अब ये मई वाले ग्रुप में ज्वाइन करूंगी, फिर मैं आप लोगों के जस्ट शेयर करती हूँ। ठीक है मैम, उत्तर बस्ती के लिए क्या दिया था? मैम उत्तर बस्ती में मैंने छार काशी सादी तेल, पहले छार तेल का दिया था, फिर मिक्सचर करके भी दिया था दोनों, और लास्ट में मैंने छीर वाला भी आगे पीछे, जैसे सैंडविच बस्ती बना के ना, तो पहले फर्स्ट डे मैंने छार छीर वाला तेल दे दी, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट उसमें छार और ये आपका दूसरा तेल जो है ना काशी सादी तेल, सॉरी उसकी सैंडविच बस्ती देके जैसे ना, क्योंकि यूट्रस साइज भी बहुत छोटा है, नलनी पैरा है ना मेरी पेशेंट, और 32 एज है, और उसको काफी कफिंग वगैरह थी और ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव आया था, तो मैंने वो सब ट्रीटमेंट देके वमन पूरा प्रॉपर शोधन करा ना, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया। हाँ मैम, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आए, जैसे मेंसेस इरेगुलर हो गया, तो वो फिर थोड़ा सा अब फिर प्रोलॉन्ग हो गया, मेंसेस अभी आया नहीं, वो सब चल रहा है इस प्रकार। जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। कोई भी चीज लेंगे क्योंकि स्टरलाइज नहीं होगा ना वो, तो फिर वो कैसे हम पेशेंट को कैसे गाइड करेंगे उसके लिए? मैं तो ना पेशेंट को गाइड करती हूँ, आप से कहूँ गॉज भी स्लो और एक ढक्कन में बंद कर, डब्बे में बंद करके कुकर में 2-3 सीटी लगा लो, और जब भी यूज करो तो फिर आप हैंड वॉश करके और बस ऊपर से उठा लो ऐसे। मैं तो मैं मार्केट में आता है, मैं मार्केट में आता स्टरलाइज। हाँ स्टरलाइज आते हैं गॉज पीस, मगर अपने घर पे भी आप कर सकते हो स्टरलाइज कुकर में ना, सब चीजें ऑयल डाल के, तो वो भी एक वे है, जैसे हम लोग भी तो करते हैं ना, जिनके पास नई ऑटोक्लेव है वो भी तो कुकर में करते हैं ना। तो मैम फिर वो क्या करना उसका मतलब, जैसे अब ऐसे डर भी रहता है ना कि वो पूरा अंदर, जैसे गॉज का पूरा वो अंदर ना चल रहा है, थोड़ा उसका भी डाउट रहता है, उसका एक फिर पार्ट बाहर। मैम आप ना ऐसे कर सकती हैं, आप थोड़ा सा कॉटन बॉल ले बना लीजिए उसके, और पीछे थोड़ा सा एंड छोड़ दीजिए, ठीक है ना, फिर आप स्लाइस करके ऑयल डाल के स्लाइस करा लीजिए, बस ऊपर का एंड पकड़े, जो एंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा लंबा, और वो फिर अपने अंदर रख ले, और हाथ हैंड वॉश करने इसके बाद है ना, पहले हैंड वॉश करके फिर यूज करें, तो वो टेल वाले एंड से पकड़े तो उनको फिर दिक्कत ही होगी वो है ना, और निकालने में भी इजी रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। तो ऑटो क्लेव कर ले, ऑटो क्लेव जिसके पास नहीं हो वो उसमें कर सकते है ना। वो मेरा ना, तो मैं अभी सुन रही थी तो मुझे लगा कि बीट हाँ मैम ऐसे कराते हैं पेशेंट को, जैसे जैसे व्यवस्था हो ना मैम, ये तो युक्ति हमें लगानी पड़ेगी, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे दूर का है मेरे पेशेंट, तो मैंने उसको बोलना है कि पिचू रखना है, तो फिर पिचू मैंने बोला है उसको कि ऐसे से करना है। उत्तर बस्ती अगर कोई ना कर पाए, जैसे यहाँ पे नहीं होती उत्तर बस्ती, तो फिर उस केस में फिर आप तो... क्या करिए, आपने एकता मैम आपने शुक्ला मैम के पास जाके सीख लीजिए उत्तर बस्ती कैसे देते हैं। सर मैं खुद को कैसे दूंगी? हाँ खुद को नहीं तो आप मैम से ही ले लीजिए ना सर, वो काफी दूर पड़ जाए। दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली में ही है मैम। मैम आप कहाँ पे हो? हिमाचल में। मैम आप हिमाचल में कोई ना कोई ले डॉक्टर, हिमाचल में आप देहरादून में तो कई लोग है ना, पपरोला चले जाना ना, पपरोला मेडिकल कॉलेज है, सॉरी हिमाचल में मिल जाएंगे, कनवल देओल मैम है ना वहाँ पे। हाँ वो कितना अच्छी डॉक्टर है, वो धर्मशाला में है, पालम में है। तो ये मैम कहाँ से है? मैं चंबा से हूँ। तो चंबा तो आपका आगे ही पड़ता, वहाँ पे साइड में ही रह जाता ना, चंबा खजियार वही है ना। चलिए मैम लेकिन आपका सब अच्छा होगा एकता मैम, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। मैम उत्तर बस्ती आप नहीं कर पा रही हो ना, तो आप पिच्छू भी रख लो, आप वो भी रख लो, जैसे अभी अनिता मैम ने समझाया ना, मैं भी कर लूंगी यदि ना, तो आप पिच्छू भी रख सकते हो, 7 डेज रख के फिर ब्रेक कर दो, फिर 7 डेज ऐसे कर लो। जैसे 1.5 और 2 ml
हाँ मैम अच्छे से डिप कर लीजिए, उसमें क्या है, जितना आपका उसमें गॉस पीस में अच्छे से हो जाए और बस, ताकि वहाँ स्नेहन हो जाए, मेन पर्पस तो हमारा वो है ना, स्नेहन करे, लोकल कर सकते हैं जब हमारे पास उत्तर बस्ती की ऑप्शन नहीं है। शुक्ला मैम। हाँ मैम सर। आप डॉक्टर नवीन जोशी सर की सीनियर हैं और आप इतनी अच्छी भी हैं, तो आप एक प्रेयर गा दीजिए ना प्लीज। सर मुझे प्रेयर नहीं आती। तो फिर शांति पाठ कौन करेगा, कंचन मैम आप करेंगी, मनीषा मैम कोई करेंगी, पवन जी कोई करेंगे, प्लीज शांति पाठ कर दीजिए। जी सर हम तो पहले इतने सारे लोग हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। कंचन मैम आप करेंगी, मराठी में आप कितना अच्छा गाती हैं कंचन मैम। हाँ सर मुकेश साहू करेगा क्वेश्चन कुछ। हाँ डॉक्टर मुकेश साहू जी शायद चले गए। मनीषा मैम करेंगी, आप सुनिए आप सब लोग। जी सर पवन सर है तो सर। हाँ तो दोनों लोग प्रेयर तो सब लोग करना चाहिए। जी जी करिए आप लोग। जी सर एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हो शांति पाठ। मैम अभी जो चर्चा चल रही थी ना टेम्पून्स की और पिचू की, उसका डिटेल मैं डाल दूंगी, उसको कर लीजिएगा, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। जी मेडिसिनल लोकल इंफेक्शन होता ना तो उसको दवाई अपने पास में बना करके उसको स्टरलाइज करके और यूज करेंगे। मुझे टैम्पॉन्स नहीं यूज करने आते, बड़ी बकवास थी। मैंने यूज करके देखे, मैंने यूज करके देखे हैं, बहुत ही बकवास। मोनिका मैम आप घर के किसी से बात कर रही हैं, मोनिका मैम की आवाज आ रही है सर, ठीक है। मनीषा मैम आप डाल दीजिएगा, अभी प्रेयर करिए, टाइम हो गया। जी सर। ओम यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभुं तीव्रमनादिरूपम् दारिद्र दुख क्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन मंडलं देव गणेश पूजितं विप्रेस्तुतं मानव मुक्ति कोविदं तं देव देवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन मंडलं वेद विदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्ध संगा यद्योगिनो योग जुषां च संगा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ दो शान्ति अन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि जी। अब हम कल मिलेंगे सुबह। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।